अभी सुबह हो रही है और सुबह जो है हम जल्दी उठ गए थे क्योंकि आज जो है नया साल है और नए साल पे हम जो है बाहर जाने वाले हैं। फटाफट से मैंने गाजर का हलवा बना दिया क्योंकि रात को ही कस के रख ली थी और क्योंकि हमको बाहर जाना था तो इसलिए गाजर का हलवा मैं कुकर में बना रही हूँ, तो इसमें मैंने दूध डाल दिया है और जो गाजर कस के रखी हुई थी वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दी है। और यहाँ पे मैंने कुछ आलू और ये बटले रखे हुए हैं जिसकी मैं सब्जी बनाऊँगी सूखी। और ये मैंने जो है मावा मंगवाया है तो ये मैं गाजर के हलवे में डालूँगी। और जो गाजर का हलवा था ना तो वो ज़्यादा हो गया था तो मैंने ना इसको थोड़ा अलग अलग डाल दिया था क्योंकि आधा कुकर में फिर से चढ़ा दिया और आधा उस कढ़ाई में डाल दिया था। तो ये मैंने आलू की और बटले की सब्जी बना के रख दी है क्योंकि लेट हो रहा था तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी काम क्योंकि जो है मुझे अस्पताल भी जाना था तो इसलिए लेट हो रहा था। तो मैंने फटाफट से जो है पूड़ियाँ बना दी हैं, गाजर का हलवा बनाया था क्योंकि नया साल था तो भाई कुछ मीठा तो होना ही ज़रूरी है। और आप जो ये डब्बे देख रहे हो ना तो ये मैं डी मार्ट से लेके आई थी तो इसमें 5 जो है डब्बे आए थे तो ये जो है छोटे बड़े इसमें तो एक साथ ही आते हैं और ये 100 रुपीज़ के जो है मुझे मिल गए थे। वैसे तो 99 के थे बट ये 100 रुपीज़ मान के चलो तो उतने में आ गए थे। तो इसमें मैं खाना पैक कर रही हूँ इस तरह से और काफ़ी अच्छे लगे मुझे ये डब्बे, तो इनका रिव्यू मैं देने वाली हूँ अगली वीडियो में तो आप ज़रूर देखिएगा। तो ये खाना जो वगैरह सब पैक कर लिया है और हम चल पड़े हैं जो घूमने के लिए, भगवान जी के दर्शन करने के लिए जो शनि मंदिर है वहाँ हम जाने वाले हैं। तो हम आ गए हैं शनि मंदिर और वहाँ से जो है प्रसाद लिया हमने और ये जो तेल चढ़ाते हैं वो भी हमने ले लिया था। तो यहाँ पे मैं जो है गणपति बाबा के दर्शन कर रही हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले जो है गणेश जी को ही रख रखा है। दर्शन सबसे पहले तो गणपति बाबा के होते हैं क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जो है प्रतिमाएं रखी हुई है अलग अलग भगवान की और ये शनि मंदिर है तो यहाँ के हम लोग जो है दर्शन करने के लिए आए हैं। और ये कौन से भगवान है मैं जानती नहीं हूँ बट ये एक जैसे जो है फेस थे सभी के। और यहाँ पे पंडित जी जो है काला धागा बांध रहे थे सभी को, तो एक धागा मेरे हाथ में बांधा और बच्चों के लिए दे दिए थे 2 धागे और धागा मैंने बच्चों को बाद में बांध दिया था। और यहाँ पे सभी भगवान की हमने जो है पूजा कर ली थी। और यहाँ पे मैं कुछ पैसे लेके आई थी इन सबको देने के लिए लेकिन कैमरे पकड़ने वाला कोई भी नहीं था कि मेरा कैमरा कोई पकड़ के चले और मैं सब जो है करूँ, लेकिन कोई नहीं तो मैंने सोचा कि इनको भी शूट कर लूँ। तो ये मेरे साथ से मैंने पैसे सभी को दिलवा दिए थे। मंदिर में रखना जा, 10 तेरी आस करे तो कभी किसी की आस नहीं करी बेटा। यहाँ तुम मत पूछे तो मेरे पर तुम मत से नहीं करे, एक वचन मानेगा कि नहीं आज नहीं ये साल का नहीं मेरा बेटा है बस खाली बहुत जाओ कुछ नहीं बस। दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं जो है खाना खाएंगे। रास्ते में खेत ही हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ हमें खेत मिले तो हम वहाँ पे खाना खा लें। तो ये देखो तो मैंने यहाँ रास्ते की थोड़ी सी जो है क्लिप इसमें कैच कर ली थी। तो हम खेत ढूंढ रहे थे खाना खाने के लिए क्योंकि हमें खाना हम साथ में लेके आए थे तो हमें कुछ जगह भी नहीं मिल रही थी। तो फाइनली हमको जगह मिल गई क्योंकि काफ़ी जगह हमने ढूंढा लेकिन जगह हमें मिल नहीं रही थी तो ये जगह हमें मिली। और दरी लाना तो जो है हम भूल ही गए क्योंकि है ना जल्दी जल्दी लेट हो रहा था ना तो जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें रह गई थी घर पे ही तो दरी सबसे इम्पोर्टेंट थी तो वो रह गई थी। तो कोई नहीं, जो टैक्सी थी ना तो उसी में से कुछ जो सामान हमें मिला बैठने के लिए तो हमने वो निकाल लिया था यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ स्टॉल था तो वो हमने बिछा लिया और भाई हम बैठ गए यहाँ पे खाना खाने के लिए।
तो सभी को मैंने खाना दे दिया था और सब जो है खाना खा रहे थे, और एक साथ खाने खाने का जो मजा है वो तो कुछ और ही होता है। तो पूरा परिवार बैठ जाता है और खाना खाता है इस तरह से बाहर जाके, तो बहुत अच्छा लगता है। और हम जो है इस तरह की प्लानिंग जो है कभी ना कभी करते रहते हैं। वैसे तो हम जो है अस्पताल आए थे दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे अर्थराइटिस की जो है प्रॉब्लम है, तो उसी को जो है मैं दिखाने आई थी। तो यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे आए हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सास और उनकी जो सिस्टर है मेरी सास की, और उनके हस्बैंड, उनकी लड़की आई थी। तो हम सब आ गए थे, सोचा कि थोड़ा घूमना भी हो जाएगा, तो थोड़ी पिकनिक जैसी हो गई हमारे यहाँ पे। और ये देखो तो ये इमली का पेड़ बीच में लगा था, तो यहाँ पे मैं इमली तोड़ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता रही थी ना कि नया मेहमान हमारे घर में आया है, तो वो मेहमान ये है हमारी गौ माता, जो कि हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे लाने की। और गाइस, हमारा जो घर है ना वो काफ़ी छोटा है, तो गाय रखने जितना तो नहीं है, लेकिन अभी तो हम रख रहे हैं क्योंकि छोटी है, जब बड़ी होगी तब देखेंगे। श्री गाय है, जाओ कुन्नी मारेगी आपको। सो गाइस, सब अपने अपने घरों में कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, उससे अच्छा है कि आप लोग गाय पालो, क्योंकि काफ़ी लोग जो है उनके घरों में जगह भी रहती है लेकिन वो गाय वगैरह पालते नहीं है। तो सबसे अच्छा रहता है कि गाय पालना चाहिए हमें, क्योंकि गाय की जगह तो आपको पता है ना कोई भी नहीं ले सकता है, तो हर घर में एक गाय तो होना ही चाहिए। सो गाइस, मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक